मैं सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि हमारी 5 प्रतिज्ञाओं के लिए 10 तारीख को वाराणसी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली है। हमारे सभी साथी शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, गंगा पार, जमुना पार, विजय प्रकाश जी, ये हमारे यहाँ के इंचार्ज रवेन जी, संजय जी, सब एक ही मांग करते हैं कि सब लोग पहुँचे। अब बहुत बड़ी महंगाई, इसके खिलाफ वार होना चाहिए। पूरी तरह मोदी और अमित शाह का फेलियर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा कि मैंने नोटबंदी इसीलिए की है कि आतंकवादी गतिविधियां रुक जाएं। नोटबंदी तो हो गई, कई साल बीत गए, फिर ये आतंकवादी गतिविधियां क्यों? इतिहास क्यों अपने को दोहरा रहा है? जब जब भाजपा शासन के केंद्र बिंदु में होती है तो पंडितों को भागना पड़ता है कश्मीर से। जब जब भाजपा केंद्र में 1990 में थी, समर्थन से सरकार चल रही थी, तब पंडितों का जबरदस्त पलायन हुआ। इन्होंने वादा किया था उनकी वापसी होगी। मैं जानना चाहता हूँ 370 हटाने के बाद कितनों की वापसी हुई, और ये 5 दिन में जो 7 हत्याएं हुई हैं, क्या अमित शाह जी सीधे इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अब तो केंद्र शासित है कश्मीर, वहाँ कोई विधानसभा नहीं है, पूरी तरह केंद्र शासित है दिल्ली की तरह, तो जिम्मेदारी लेगा कोई नैतिक रूप से? और नैतिक रूप से लेकर कोई कदम उठाएगा? कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए, आतंकवादी से लड़ने के लिए सरकार जो भी सख्त कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, वैधानिक कदम। हेलो भाई, रोल है नीचे करो भाई। हेलो भाई, रोल है, सवाल करिए। बराबर करिए, बाहर चले। हेलो भाई, रोल है वाले नहीं जाने के। ठीक है सर, ठीक है सर। लखीमपुर की घटना को लेकर क्या आपका कहना है? लखीमपुर की घटना सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के लिए कलंक की बात है। जो किसान 10 महीने से ज़्यादा तीन काले कानून को वापस लेने के लिए संघर्षरत है, वो सिर्फ मंत्री के विरोध के लिए गया हुआ था, और वो भी उनका कार्यक्रम निरस्त होने के बाद जब लौट रहा था तो पीछे से, अब तो विजुअल आ गए, आ गया है, जिस स्पीड में गाड़ी से रौंदा गया है, ऐसा बीभत्स दृश्य हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। और गुलाम भारत में जनरल डायर की आग भाजपा ने दिला दी, जैसे जनरल डायर ने नरसंहार किया था वैसा ही नरसंहार मौजूदा भाजपा सरकार ने कराया है। एक बात इसमें मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और जो उन पीड़ितों के आंसू पोंछने जा रहा था, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनको जेल में बंद कर दिया गया। कौन है ये प्रियंका गांधी? देश के लिए बलिदान देने वाली इंदिरा गांधी की पोती, देश के लिए बलिदान देने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी है, और जा किसके साथ रही थी? 3-4 लोग। और जहां गिरफ्तार किया गया सीतापुर में, हर गांव में, वहां तो 144 भी नहीं लगा था, लखीमपुर शुरू भी नहीं हुआ था, तो यह अवैधानिक गिरफ्तारी की। मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब तक नहीं किया किसी की गिरफ्तारी नहीं की, 5-4 किसानों की और एक पत्रकार की हत्या करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए, हाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी तब 2 लोग गिरफ्तार हुए जो अस्पताल में। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है कि भागे हैं कि भगाए गए हैं? कल तक जो इंटरव्यू दे रहे थे मंत्री पुत्र जी, अपने घर से चारों तरफ से उनके घर को छावनी बना दिया गया है, न बिना प्रशासन के अनुमति को कोई अंदर आ रहा था न जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैसे वो भागे?